Chi ti che avevi? No. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जुले वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस सीन कुछ ऐसा है कि सुबह के बज रहे 9:30, तो हम तैयार हो गए अभी हाथ में धो के। ओ भाई को देखो, पता नहीं वो बाल को बाहर पर बाल को देख रहा है ऐसे करके। तो चलते हैं, पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर उसके बाद घूमते हैं मार्केट, गर्मी ना हो यार आज। ओके सो गाइस, तो हमने ये डिसाइड किया है कि पहले हम ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, पहले हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे। सो गाइस सीन ये है कि पहले हम पालिका बाज़ार जाएंगे, फिर वहाँ घूमेंगे फिरेंगे, फिर वहाँ ब्रेकफास्ट भी करेंगे, फिर उसके बाद सरोजनी भी जाएंगे। आज दो जगह जाएंगे गाइस और दो जगह आपको दिखाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ उस साइड कपड़े ही हैं, तो कपड़े देखेंगे तो आपको भी दिखाएंगे। तो चलते हम विधानसभा से चढ़े थे तो यहाँ पे राजीव चौक पे उतरे और 6 नंबर ले लो बोल रहे हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 6, प्लेटफॉर्म नंबर 6 लेंगे, एग्जिट हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम पहुँचेंगे पालिका बाज़ार। आपको पालिका बाज़ार दिखाएंगे और साथ में ब्रेकफास्ट भी करेंगे। तो ठीक है, चेंज फ्रॉम योर और फोन, तो यहाँ पे फोन चेंज हो रहा है, एक्सचेंज करके पैसे दे रहे हैं। Vigo V19 दूध अंगार हवा, भाई का फोन एक्सचेंज करेगा बोल रहा है। जाने पे फिर बोला जाने अच्छी पर स्टेट दिखिए फिर से। हाँ बताएं सर, Vigo V19 V19 चाहिए? हाँ नहीं नहीं है, Vigo V19 बेचना है। हाँ कितना पुराना है? चेंज हो जाएगा? हाँ चेंज हो जाएगा, दूसरा मिल जाएगा, डैमेज है। कभी वो साबुन नहीं था ना, तभी इसने ये यूज़ कर दिया साबुन की तरह। हाँ क्या साबुन नहीं था ना, इसने ये यूज़ कर दिया, लग रहा है इसे रगड़ दिया इसने। मैंने पहले बेक और नहीं लगाता था तो, क्योंकि इसका बॉडी बहुत सही है, इसलिए बढ़िया लगता था। बढ़िया तो आईफोन का भी लगता है, इसको खोल के रखे तो रिकॉर्ड करेंगे। हाँ क्यों, ब्लॉगर हर जगह में रिकॉर्ड ही करता हूँ। मेट्रो में रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है सर, लेकिन हाँ सब वो भी 19 है। तो भाई चेक कर रहा है, भाई बोल रहा है ये कम है, बहुत कम है, 8200। तो चलते यार पालिका बाज़ार। तो भाई हम पहुंच गए पालिका बाज़ार के सामने एंट्रेंस, और ये सामने गेट, ये देखिए अपना तिरंगा। तो कुछ ऐसा नज़ारा है पालिका बाज़ार का। तो वैसे उस साइड बहुत बढ़िया मार्केट है अंदर, जो आपको वाइट दिख रहा है। तो लोग वहाँ पे रील्स बनाते हैं, प्रैंक शूट करते हैं। तो फर्स्ट तो हम पालिका बाज़ार एंटर करेंगे, पालिका बाज़ार देखेंगे पालिका बाज़ार के अंदर क्या है। वेलकम टू पालिका बाज़ार। इनका कितना होगा भैया? कम चलो कितना है इसका? कम नहीं होगा कितना? पीस लेना कर देगा डिस्काउंट और मॉर्निंग टाइम। अरे भाई इनका कितना होगा भैया? नहीं उतना मत, इसे पूछ रहा हूँ कितना होगा। ये 500 का कम होगा? कर देगा सर, जो डिस्काउंट होगा सुबह सुबह टाइम, फर्स्ट कस्टमर हो जा रहा हूँ। टाइम आप क्या देना चाह रहे? अभी चाहता खाली हाथ मत जाओ। सुबह सुबह कोई भी नहीं चाहता। 200 रुपये का तो दे दो, मैं यहाँ 150 का तो लिया था। नहीं वो दूसरा टाइप का आता था, ये वाला क्वालिटी कैसे आता? अभी देखो दुकानदार ने अगर थैली में से निकाल दे तो समझो उसको कुछ भी नहीं आता, उसमें भी नहीं आता क्वालिटी। देखो एटलीस्ट आपका कपड़ा भी यूज़ करेगा, समझो
क्वालिटी क्या होगा, ये आपने कितने का लिया भाई? अच्छा क्वालिटी है, खराब नहीं है। आप तो मेरे पास भी है, ये तो मैं कर रहा, अच्छा क्वालिटी खराब नहीं है। अच्छा छोटा आदमी शोरूम में जाएगा तो बड़ा हो गया। तो भाई के अंदर चुल मचा है, तो भाई शॉपिंग करेगा बोल रहा है, आज 2800 बोल रहा है, 2800 बहुत महंगा बोल रहा है भाई। लोग यहाँ सामान लोगे तो थोड़ा देख के लेना, यहाँ शकल देख के, जैसे कि आप शकल देख के बोलेगा कि हाँ यार ये बंदा ज़्यादा मिलेगा तो ज़्यादा प्राइस लेगा, तो थोड़ा देख के लीजिए। और सामान बहुत चीप है यार, लगभग शर्ट आपको 100 रुपये में मिल जाएगा, और वो मुझे 500 बोल रहा था, वो अभी वो बोला कि 200 में ले जाओ। तो गाइस हम आ गए पालिका से बाहर, पालिका बाजार से बाहर आ गए। तो भाई ने लिया एक बैग, मैंने तो मना किया था, तब भी भाई ने ले लिया, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। तो गाइस यहाँ पे क्या सीन है पता है, यहाँ पे आपको चेहरा देख के ये प्राइस बताएगा, ठीक है। जिस चीज़ का आपको 100 रुपये में मिलेगा ना, वो आपको 150, 400, 500 तक जाएगा। तो फर्स्ट ये भाई ने बैग लिया, तो इस बैग का बोल रहा था 2500, तो लास्ट में 600 रुपये का लगभग बोल रहा है, 600-700 दे दिया, बस 600 रुपये में दे दिया। तो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं गाइस, यहाँ कहीं ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर देखते हैं। तो गाइस हम आ गए पालिका बाजार से बाहर, तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, तरोशनी मार्केट। बट यार उससे पहले भाई अपना कान साफ कर रहे हैं, कान साफ भी ज़रूरी है। हाँ भाई नहीं नहीं जूता ठीक है ब्रो, नहीं नहीं बढ़िया है। तो क्या दाग नहीं यार, नहीं दाग नहीं हटाना है, सस्ता है, सस्ता सस्ता, ये पेड़ वेड़ मत पकड़ो, सस्ता जूता है सर, ऐसे ही चले दो थोड़ा। क्या नहीं वीडियो बना रहा हूँ यार, वीडियो बना रहा, नहीं नहीं। तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर चलते गए सरोजनी, तो बने रहे वीडियो पे। और ये ना ये जेन्युइन है, नहीं ये जो मॉडल उन्होंने दिखाया ना रेंज में, वो रेंज में मैंने देखा भी नहीं। तो वही लोग को चश्मा देखा, वहाँ कसम जेन्युइन था, 39,500 का, और एक था 1500 का, एक था 1400 का। भाई 39,000 वाला पसंद आया, पर 10,500 जिस पर लगभग 15,000 वहाँ कसम यार, मुझे तो पसंद आया था यार, बट मेरे रेंज का नहीं है पता है, अगर मेरे रेंज का होता तो मेरे पास इतना होता तो मैं पक्का लेता यार, मैं लूँगा एक ना एक दिन पक्का लूँगा गाइस। आप सरोज नहीं पे तो कैमरा मैन कुछ टीवी शो हो रहा है लगता है। गाइस हम पहुंचे सरोज नहीं, सरोज क्या बोल रहे हैं, वहां पे कैमरा मैन देख लो, वहां कैमरा मैन तो यहां पे लगा हुआ है। आओ लक्ष्मी गणेश, लक्ष्मी गणेश बस खड़े हैं भाई साहब, सब्जी मंडी बन रखा है सरोज नहीं तो फुल भर रहा है, फुल लोग यहाँ पे स्कैम बहुत होता है, तो थोड़ा देख के लेना सामान। तो बोलता है कि आईफोन का है, सीरीज है, डुप्लीकेट होता है, और स्कैम होता है, तो लोग अभी भी उसका स्कैम कर रहे हैं। स्पोर्ट्स सरप्लस बोल रहा है, थोड़ा सस्ता मिलेगा, बहुत सस्ता है। तो ये सही है, ये बढ़िया है। टी शर्ट सर 300 रुपये का,
और ये 200 रुपए का बढ़िया। भाई इस मार्केट में सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है आपको। तो गाइस इस सेक्शन में बहुत सस्ता मिलेगा, देख सकते हो। तो गाइस सामान बहुत सस्ता है, अभी तो सेल भी चल रहा है ना भाई, हाँ तो सेल भी चल रहा है, सामान बहुत सस्ता है। तो अभी मेन वाला सेक्शन में नहीं घुसा क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ है गाइस, और वहाँ पे एक सीन भी है कि जो सेकंड हैंड सामान मिलता है सारा कपड़ा वपड़ा, क्योंकि ये मार्केट ही कपड़े का है। तो अभी पानी पियेंगे तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ड्रैगन फ्रूट काटो काटो, हाँ ये यहीं पे खाऊंगा। हाँ खा लेना कोई बात नहीं। ये पहले आपने काटा होगा ना। तो गाइस हम खा रहे ड्रैगन फ्रूट, ड्रैगन इसका नाम ड्रैगन क्यों रखा है? हाँ ड्रैगन फ्रूट है। ओ भाई भाई भाई, 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 भाई। कितना प्यारा दिख रहा है कैमरा में, मुझे और प्यारा दिख रहा है। हाँ। फूल की तरह रखना ठीक है। ठीक है सही है। गिर ना जाए ठीक है, नहीं गिरा नहीं। सो गाइस एक बार इसके चैनल को भी इसको सब्सक्राइब मत करना, इसका लाइक मत करना, फालतू वीडियो बनाता है, इसका कुछ ना व्यू आता है ना लाइक आता है, इसको क्या है ये, व्हाट इज दिस मैन भाई, ऐसे बस बकचोदी करते रहते हैं इतना है इसके। तो गाइस इसको सपोर्ट मत करना, बकचोदी करते रहते हैं, इसको कुछ काम धाम नहीं है, ड्यूटी नहीं देना, इसको ड्यूटी तो देना नहीं है, बस पकड़ में बस टाइम पास कर रहे यहाँ पे। ओके सो गाइस बड़ा चैनल बनाने बकचोदी कर लिया भाई ने, हाँ तो अच्छी बात है भाई, कर दे यार इसको ब्लॉग बना दो, ब्लॉग बना दो लाइक बढ़ा दो। फिर वही ने बकचोदी सारा कर लिया। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप दिल्ली में आओगे तो कहीं भी शॉपिंग करोगे तो सरोजनी में जो कपड़े लोगे तो सरोजनी में बेस्ट है, आप शूज़ लोगे, आप ब्रांडेड चीज़ लेना पसंद करोगे तो चोर बाज़ार चले जाना, तो आपको कम चीज़ में कम पैसे में सस्ती सब कुछ अच्छा मिल जाएगा चीज़। मिसल में बोलना चाहता हूँ कम पैसे में और अच्छा कपड़े मिल जाएगा आपको चोर बाज़ार में दिल्ली जमा मस्जिद के पीछे। तो आपको खाली नॉर्मल ख़रीदना है तो बस यहीं आ जाइए सरोजनी मार्केट। तो हम पैदल जा रहे हैं गाइस, बस हम पहुंचने वाले हैं मेट्रो स्टेशन के सामने। सो गाइस भाई को कुछ करोल बाग से कुछ खरीदना है बोल रहा है, तो हम करोल बाग आ गए। करोल बाग की गफर मार्केट है, गफर मार्केट में मोबाइल का सामान ही मिलता है, और देखेंगे क्योंकि मुझे इतना याद नहीं गाइस, मैं पहले आया था उसके बाद में आया नहीं था। इसको बेचने दूसरा लाना है भाई को, अपना फ़ोन बेच के दूसरा फ़ोन लाना है, फिर उधर चलते हैं आपको दिखाएंगे गफर मार्केट का सीन। सो गाइस ये गफर मार्केट का जहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग होता है वो लास्ट तक है। तो पूरा सेक्शन ही मोबाइल का है, पूरा सफर मजे में नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा भाई, लिखा तो नहीं है। दुनिया भर का कवर है महाकसम, ये देख लो मोबाइल का जो पुर्जा चाहिए मिल जाएगा, जहाँ नहीं मिलेगा यहाँ मिलेगा गफर मार्केट में। और जितना छिपा है वहाँ मोबाइल का, और जितना छिपा भाई कवर का मॉल माँ कसम।
देख लो गाइस। पूरा ये वाला सेक्शन पूरा होलसेल का होगा। क्यों बोल रहा है? मैच देख रहा है। मैच देख रहा है। धुला दिया उसको। धुला दिया उसको। किसने? वो इंडिया ने 160 पे कर दिया। 160 लेगी? 160 पे। उधर देख रहा था, हम अभी तक देख रहा था। उसके बाद इंडिया का बैटिंग आज 7 रन पे विकेट हुआ। हाँ, 7 रन पे एक विकेट हुआ। इसने अपने वो नहीं ओके सो गाइस, इंडिया जीत गया भाई, इंडिया जीत गया। हाँ सो गाइस, इंडिया जीत गया। आपने देखा, तबाह तोड़ बमबाजी हो गया, पूरा पटाखे चला के ख़त्म कर दिया भाई लोग ने। तो हम वापस जा रहे हैं क्योंकि फ़ोन में बैटरी नहीं है ज़्यादा, तो वापस जा रहे हैं गाइस। तो फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा लग रहा है मेरा। ओके गाइस, तो हम पहुँच गए नोएडा, बट काफ़ी लेट हुआ हमें मेट्रो से आने जाने का। लगभग अभी टाइम बज रहा है 10:30, तो काफ़ी लेट हुआ, तब भी हम अपने घर रूम में नहीं पहुंचे। ये देख लो, अभी भी हम रोड से जा रहे हैं। सही है, जाना। तो कोई ऑटो भी नहीं आ रहा है और गाड़ी भी नहीं रोक रहे। अभी रूम में जाना है, उसके बाद नमाज पढ़ना है, फिर उसके बाद सोएंगे। ठीक है नहीं सर? तो यहाँ के लोग यार गाड़ी भी नहीं रोकते यार। चार्जर के राही से गाइस, लगभग हमें और है 3 या 4 किलोमीटर। 3 या 4 किलोमीटर होगा यहाँ से ना, लगभग होगा 3 या 4 किलोमीटर है। तो गाड़ी मिले तो ठीक है, नहीं तो पैदल मार्च। 11 बजे तक पहुँचेंगे हम, फिर उसके बाद नमाज पढ़ेंगे, फिर सो जाएंगे गाइस, फिर चलते हैं गाइस। फिर आपको भी अल्लाह हाफिज़ बोलते हैं, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।